हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग दो अपकमिंग ऐसी पैन इंडिया मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, अवेटिंग बहुत ज्यादा है, इन दोनों फिल्मों से एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा है। और अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि पैन इंडिया फिल्मों का मौसम है, बहुत सारी पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं जैसे कि ट्रिपल आर और अभी KGF चैप्टर 2। लेकिन कुछ ऐसी भी पैन इंडिया फिल्में हैं जो कि आई और चली गई लेकिन हिंदी बेल्ट में उस तरह का छाप नहीं छोड़ पाई और ओवरऑल भी इनका परफॉर्मेंसेज अंडरवेलमिंग रहा आप कह सकते हो। लेकिन ये दो जो पैन इंडिया फिल्में हैं इनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा है और दोनों ही के जो टीजर और फिर ट्रेलर्स हैं वो अब बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। इनफैक्ट सेम डेट पे आ रहे हैं यानी 9th मई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर जो कि संदीप उन्नीकृष्णन साहब पे उनकी बायोपिक है और सेकंड इज लाइगर जो कि विजय देवरकोंडा की पैन इंडिया डेब्यू है और एक आदि विशेष की फिल्म है। तो इन दोनों के तरफ से आज अपडेट्स निकल के आए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर के बारे में क्योंकि मेजर को अब एक महीने भी नहीं है रिलीज को और फाइनली अब इसका ट्रेलर का जो डेट है वो आ चुका है। 9th मई इज द डेट वेन द ट्रेलर ऑफ मेजर विल बी रिवील्ड। अब इसके लेके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। ट्रेड में अभी रिसेंटली कल ही परसों में दिखाया गया था ये ट्रेलर सारे ट्रेड वालों को और जितने भी जर्नलिस्ट हैं बहुत लोगों को दिखाया गया एंड एवरीवन इज इन ऑफ द ट्रेलर क्योंकि हम लोग देखे हैं टीजर भी पिछले साल रिलीज हुआ था और किस तरह का टीजर था। एक तो इमोशनल क्वोशेंट इस फिल्म का बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम हमेशा से बोलते हैं कि इस फिल्म को लेकर मेरा एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है। 26/11 से रिलेटेड कुछ भी कभी भी हम नहीं छोड़ते हैं और उसका एक अलग ही पता नहीं कुछ अलग ही फील है, उसका अलग ही कनेक्शन है हमसे और स्पेशली संदीप उन्नीकृष्णन साहब पे तो हम कब से वेट कर रहे थे, जब से ये अनाउंस हुई थी तब से हम वेट कर रहे हैं। सो इसके ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स सुनने में आ रहे हैं जिसने भी इस ट्रेलर को देखा है। सो फिंगर्स क्रॉस, होपफुली बहुत ही जबरदस्त होगा और हमारे जितना भी एक्सपेक्टेशंस है सबको पार करके ले जाएगा। 9th मई को अभी टाइम नहीं पता है लेकिन रिवील होगा। छोटा सा ग्लिम्स मेकिंग वीडियो टाइप का कुछ निकाला है उन्होंने जिसमें इस इंडियन फिल्म को वो लोग बताया कि ट्रेलर जो है वो 9th मई को आएगा। ये हिंदी में भी आ रही है, तेलुगु में भी आ रही है और मलयालम में भी आ रही है, तीन लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। सो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। आप कितने एक्साइटेड हो मेजर ट्रेलर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब आते हैं हम लोग दूसरी फिल्म पे, दैट इज राउडी देवरकोंडा की पैन इंडिया डेब्यू, दैट इज लाइगर। अब लाइगर का बहुत लोग, इनफैक्ट कल ही लाइव सेशन में मेरे बहुत लोग पूछ रहे थे कि लाइगर का टीजर कब आएगा, तो लो लाइगर का टीजर का भी डेट आ चुका है, द सेम डेट यानी एग्जैक्टली वही डेट यानी 9th मई क्योंकि उस दिन विजय देवरकोंडा का बर्थडे है। तो उसके ओकेजन पे द टीजर ऑफ लाइगर विल बी अनवील्ड। उन्होंने एक पोस्टर के साथ ये अपडेट शेयर किया है कि ही इज वेरी हंग्री नाउ, लेट्स अनलीश हिम टू द नेशन। अब इंडिया एक लाइगर को देखने वाला है, द बीस्ट विल बी अनलीश्ड ऑन द 9th मई। शाम के 4 बजे इसका टाइमिंग भी आ चुका है। तो दोनों ये जो मच अवेटेड फिल्में हैं पैन इंडिया लेवल पे, ये दोनों का जो टीजर और फिर ट्रेलर है दोनों 9th मई को आने वाला है। मेजर का अभी भी टाइमिंग पता नहीं है शायद, या फिर हम ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। आई थिंक हमको जहां तक याद आ रहा है उसका टाइम अभी रिवील नहीं हुआ है। तो वो दोनों फिल्में का एक का ट्रेलर एक का टीजर हम लोग को 9th मई को देखने को मिलेगा। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड इन दोनों फिल्मों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। और कुछ बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।